वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग, वेलकम बैक टू माई चैनल। और अभी मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ, मैं स्कूल से अभी जस्ट आई हूँ, तो पहले खुद को थोड़ा सा रेडी करती हूँ। और आउटफिट आज का फिर भूल गई, पहन कर आती हूँ ना मैं, तब देख लेना आप। मैं नहीं बताऊँगी रोज़ रोज़, क्योंकि मेरे को पता नहीं होता ना सर्दियों में, गर्मियों में तो पता होता है कि हाँ मुझे स्कर्ट पहननी है, टॉप पहनना है, बट सर्दियों में नहीं पता होता। तो मम्मी ज्योति आंटी के बैठी है, तो अभी के लिए टन टन हटन करती हूँ और फिर मिलती हूँ अपन को ड्रेस अप होकर और लंच में। तो गाइस अभी हो चुकी है शाम, यानी रात, और रात के बज चुके हैं 8:30, 9 बज चुके हैं शायद, आई डोंट नो। बट अभी बनाया हमारा प्यारा सा टेस्टी सा डिनर, और मम्मा ने बनाया हरी चटनी के साथ चावल, जो कि मैं अभी खा रही थी। पता नहीं मैं क्यों हर बार व्लॉग भूल जाती हूँ, पापा ने याद दिलाया मैम, बच्चे रियली टेस्टी। मम्मा ने खा भी लिया, मम्मा डगा भी ले रही है। और आज का व्लॉग जो है, छत पे जाओगे, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। हमारे आज बारिश हो रही है, आई डोंट नो, सुबह तो हुई थी जब मैं स्कूल में थी, और मेरी फ्रेंड्स और मैं ऐसे नाच रहे थे, ऐसी बारिश हो रही थी। बहुत अच्छा मौसम हो रहा था बिल्कुल, ऐसे मतलब स्कूल में हमारी यहाँ पे क्लास है, यहाँ से ऐसे गली जाती है, मतलब गली क्या, ऐसे जाते आगे से, तो बीच में वो आता है और साइड में पॉट्स हैं, यानी बीच में ज़मीन है और यहाँ से पॉट्स है, और फिर आगे जाके तो छत आ जाती है ऊपर से, तो पानी धो लेते, मतलब हाथ धो लेते, अपने हैंड वॉश कर लेते। और बारिश आ रही थी, तो हमारे स्कूल वालों ने क्या, इतना बड़ा पेड़ लगा रखा था, तो वो पेड़, उसके पेड़ के नीचे मैं खड़ी हो गई थी, तो मुझे मतलब इतना अच्छा फील हो रहा था ना, जैसे फ़ोटो शूट करा लो वहाँ पे। स्कूल भी एकदम फ़ोटो शूटिंग का हो गया। आज के व्लॉग का तो मुझे पता नहीं, अगर मम्मा चलेंगी तो ठीक है, बारिश बंद हो जाएगी तो ठीक है, पूरा अच्छे से पैक होकर चलना पड़ेगा। और जैसा कि आपको पता है आज अपन क्या करने वाले हैं, छत पे, तो बस उसके लिए रेडी रहना। और गाइज़ मैं 2 दिन से आपको वेट करा रही हूँ, लेकिन पता नहीं वो कैसे हो पाएगा, सो देखते हैं कैसे होता है। मामा इज़ वॉचिंग मी फॉर दिस। फिलहाल आप इसे देखकर समझ ही गए होंगे कि मेरे क्या हो रहा था, मैं कर रही थी पढ़ाई, और पढ़ाई करते करते मेरा सर दुखने लगा, मेरा सर इतना दुख रहा है, इतना दुख रहा है ना, कि मैंने खुद को बढ़िया कंबल से ओढ़ लिया और बैठ रही हूँ मैं टपोरी बन के, और है ना जैसे मतलब मेरे सर तो बंद हो गया, लेकिन यहाँ से अभी दुख रहा है, ये दोनों पार्ट, आइज़ के ऊपर के पार्ट। मैंने बोला मेरे नंबर बढ़ गए, आई थिंक दैट्स वाई। और देखो मेरा फेस, आज आपने मेरा फेस नहीं देखा था विदाउट चश्मा के, आप देख सकते हैं। और फिर आप देखो, मैंने जो अपना आपके साथ स्किन केयर रूटीन शेयर किया था नाइट वाला, सो उसके लिए थैंक यू सो मच, बहुत से लोगों ने देखा उन्हें। लेकिन एक बात बता दूँ, आप उसे ऐसे नहीं कि खाना खाते कर लिया, जैसे ही आपके आगे नींदों वाली हो जाए ना, दैट टाइम यू कैन वॉश योर फेस, ओके, उसी टाइम आप फेस वॉश लगा लो और बढ़िया ऐसे गालों की मसाज करो, आईब्रोज की मसाज करो, और दिस मतलब उसके लिए रेडिएंट ग्लो ज़रूरी है, वो रेडिएंट ग्लो मेरा फेस वॉश है, ओके। सो ये ओके, सो अभी अपन नहीं कर रहे हैं, अभी बाद में करेंगे, जब करेंगे आपको बता दूंगी, अभी तो आप बस ये याद रखना गुड गुड गुड। और फिलहाल अगर आज का व्लॉग वो नहीं हो पाया ना जो मैं बता रही हूँ ऊपर छत का, तो अपन जो न्यू सॉन्ग्स बताए थे ना मैंने आपको, उसमें से 5 सॉन्ग्स छाटूंगी मैं नए, और फिर क्या करूँगी, उन 5 सॉन्ग्स को सुनूंगी और बताऊँगी कि मुझे उसका रिएक्शन कैसा लगा, मतलब मैं रिएक्शन दूंगी उन गानों पे, वो गाना कितना अच्छा है, 10 out of marks दूंगी मैं उसको। और मुझे बहुत मतलब मेरे को एक गाना तो बहुत अच्छा लगा जो आपने बहुत सुना होगा, उसका नाम नहीं बताऊँगी अभी, बाद में बताऊँगी। सो अभी के लिए टन टन अटन, 3 मिनट हो चुके हैं अपन को ऐसी बकवास करते हुए, सो अभी के लिए टन टन अटन, और फिर देखते हैं बाद में क्या होता है, ओके। सो अभी देखते हैं। सो गाइस फाइनली वक्त आ चुका है छत पे जाने का और गोस्ट फ्रेंड पार्टी, और मम्मा क्या है एक्चुअली मैं आधे घंटे के लिए गई है, क्योंकि जो ज्योति आंटी है ना उनका बेटा है हैरी, तो उसको होमवर्क करवाना था आंटी को, इसलिए आंटी ने सोचा कि 10:30 चलते हैं। तो फिलहाल जो है 10:24 हो चुके हैं, यानी 24, बस हमारा ये जो सक्सेसफुल हो जाए। अभी कोई नाम निशानी नहीं है, सबसे पहले मम्मा को उधर जाने दो और फिर अपन भागेंगे। सो गाइस अभी मम्मा जो है वो घूम रही है, और मैं उनको दिख ना जाऊँ, क्योंकि अगर मैं दिख गई तो मैं जाएगा फ्लॉप, अभी उनको नहीं पता वो बातें कर रही है मेरी तरह के। खाना भी नहीं खाना चाहिए,
अब नहीं होगा। गाइस मैंने डरा तो दिया लेकिन एक गड़बड़ हो गई एक्चुअली में। मम्मा तो नहीं डरी, मम्मा को पता है कि ऊ वाली आवाज़ तो मैं निकालती हूँ, लेकिन आंटी डर गई और आंटी ने बोला छोरी क्या कर रही है। मैंने बोला डरो करो डरते हो ना आप तो बहुत ही डरती। मम्मा मेरी नहीं डरे, बहुत ताकतवर है मेरी मम्मा, जिंदा मत मारना। लेकिन मेरी जो आंटी है ना वो डर जाती है बहुत ज़्यादा। गाइस दिल की धड़कने बहुत तेज़ हो गई है। फाइनली आपको व्यू दिखा देती हूँ आज। और गो स्प्रिंग पार्ट टू आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, कि गो स्प्रिंग पार्ट वन से ज़्यादा बेटर है आई थिंक। सो गाइस देखो वहाँ पे कोई होटल है और यहाँ पे ये दोनों गार्डन्स में शादी हो रही है आज, और मस्त लाइटिंग वाला व्यू है। तो वहीं नहीं वहाँ वाले वो है ना, एक्चुअली मैं दिखाती हूँ एक सेकेंड, वो रहा वहाँ पे, वो जो है ना ये पूरा गार्डन, तो इसमें भी शादी हो रही है और एक उधर भी है। तो आई थिंक जितने भी हमारे आसपास जितने भी गार्डन्स हैं ना उन सब गार्डन्स में शादी हो रही है। और मेरा फेस इधर से चमक भी रहा है क्योंकि सारी जगहों से लाइट आ रही है ना, और इवेंचुअली जो जस्ट हमारे सामने वाला है ना उसमें से आ रही है। और गाइस वहाँ पे फटाके भी फूट रहे हैं, देखो वो रहे। और यहाँ पे देखो फायर्स लगाई हुई है शादी में, बहुत मस्त है गाइस बहुत। जब भी शादी होती है ना यहाँ पे मज़ा आता है। और देखो मैंने जबकि हाफ टी शर्ट पहन रखी फिर भी मुझे कुछ ठंड नहीं लग रही, क्योंकि मैं मोटा वाला कंबल ओढ़ कर आई हूँ और कानों पे मैंने कुछ नहीं कर रखा, पैरों में सॉक्स भी नहीं पहन रखे, जबकि मेरा सर दर्द हो रहा था आपको पता हो तो, पर जान है मेरे में भी। सो गाइस अभी चलते हैं फटाफट से नीचे अपन लोग, और मम्मा और इनको तो बातें करने देते हैं, ये दोनों डर गई थी वैसे, तो फटाफट से चलते हैं। लिफ्ट बुलाते हैं पार्किंग से, फोर्थ फ्लोर पे आएगी। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, और गाइस थर्ड के बाद फोर्थ फ्लोर, तो अब अपन को चलना है सेकंड पे। और गाइस आप मेरा लुक देख सकते हैं, हाफ स्लीव्स पहन रखी है मैंने, यू गाइस रियली वॉच मी एंड फुल। ठंड नहीं लगी, चलो चलते हैं अब घर पे फटाफट से। सो गाइस मैंने बहुत बार, मतलब मैंने जब ब्लॉग भी स्टार्ट नहीं करा था ना, मैंने जब मैं ब्लॉग बनाती भी नहीं थी, मुझे इतना शौक भी नहीं था, तब मैं ये लोग क्या तब डर जाते थे, और अब तो इनको आदत हो चुकी है डरने की, तो इसलिए आंटी डर जाती है, क्योंकि आंटी का एकदम से आता है ना कुछ भी वो डर जाती है उनको, मतलब उनको तो पता होता है कि हाँ मैं ही चिल्ला रही हूँ, लेकिन बस फिर भी इस वजह से। सो आंटी डर गई, मम्मा नहीं डरी। सो कैसा लगा आपको व्लॉग ज़रूर बताना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर, और मिलते हैं जल्दी से अपने न्यू व्लॉग में, कल के व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, नहीं ऐसे नहीं, बाय।